हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंबिका एंड वेलकम टू अंबिका सुपर किचन। आज मैं लेके आई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा की रेसिपी। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है ड्यू टू कोविड-19, और इस टाइम पे हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक का टुकड़ा आधा इंच, काली मिर्च 4 से 5, लौंग 4 चाहिए आपको, गुड़ चाहिए आपको 1 छोटा चम्मच के करीब, ये मैं बताऊँगी मैंने क्यों यूज़ किया है बाद में। और यहाँ पे मैंने ली है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जिसे हम गिलोय कहते हैं, इसे गुड़वेल भी कहते हैं, गुड़ुची भी कहते हैं। इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके की होती हैं इसकी ब्रांचेस, और इसे मैंने अच्छे से धो कर इसे छील कर ले लिया है इसका 1 इंच का टुकड़ा। तो इसके बारे में और बात करेंगे हम आगे वीडियो में। और यहाँ पे मैंने ली है हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच के करीब। तो ये तो हो गए हमारे सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने दालचीनी ऐड नहीं करी है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए रहेंगी 4 से 5 फ्रेश तुलसी की पत्तियाँ और 1 ग्लास पानी। तो ये तो हो गए सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन एक गिलोय ही ऐसी चीज़ है जिसे ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके की होती हैं इसकी ब्रांचेस। ये कहीं भी आपके आसपास पार्क है या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं तो उस पे ये लिपटी हुई होगी। और देखिए इसके जो ब्रांचेस पे पोर्स जो हैं थोड़े से उभरे हुए होते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो पान शेप की होती हैं। और बेनिफिट्स जो गिलॉय के हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, अगर क्रॉनिक फीवर है तो उसे भी ट्रीट करती है, स्ट्रेस एंड एन्जाइटी जो आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है उसे रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अगर आपको एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसे भी ये ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी, बट आप डॉक्टर के कंसर्न के बिना इन्हें यूज़ ना करें रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपको गिलॉय नहीं मिल पाती है तो आप पतंजलि की गिलॉय घनवटी या ऑर्गेनिक गिलॉय पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका हम एक क्रश बना लेंगे। तो आप इन सभी को ओखली में डाल के, पहले सबसे पहले आप डालिए लौंग, काली मिर्च, अदरक, और इसमें हम डालेंगे गिलोय, तुलसी की पत्ती, हल्दी और गुड़ को बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन चारों को डाल के आप अच्छे से इन्हें कूट लीजिए, इनका क्रश बना लीजिए। तो ये जब अच्छे से क्रश हो जाए अब इसमें आप डाल दीजिए अपनी तुलसी की पत्तियाँ, और तुलसी की पत्ती को भी आप अच्छे से क्रश कर लीजिए ताकि जो सारा रस है वो अच्छे से बाहर निकल के आए। और ये देखिए ये रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम पानी को उबालने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो एक भगोनी में आप 1 ग्लास पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक के लिए छोड़ दें। जब इसमें एक उबाल आ जाए, ये देखिए बॉईल होने लगे, बबल्स आने लगे, तब इसमें आप डाल दीजिए जो हमने क्रश करके पेस्ट बनाया था सारी हर्ब्स का, वो इसमें आप डाल दीजिए। इसे एक बार अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और अब इसे आपको मीडियम लो फ्लेम पे रिड्यूस करना है जब तक कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ़ नहीं हो जाती पानी की, यानी 1 ग्लास से आधा ग्लास नहीं हो जाता। तो आपको लगेंगे 17 से 18 मिनट इसमें। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है, एंड साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो 16 मिनट के बाद ये हो चुका है बिल्कुल आधा।
यहाँ पर अब हम डाल देंगे गुड़ और हल्दी। गुड़ इसलिए डाला है ताकि जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो पाए और अगर बच्चे जो हैं वो भी इसे पी पाएँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो काढ़ा है वो बिल्कुल बच्चों को पसंद नहीं होता है और आप उसमें शहद डाल के दे देते हैं। तो शहद आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी ब्रांड्स जो है वो शहद की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें शक्कर का पानी यानी चाशनी यूज़ करती हैं, तो इनडायरेक्टली आप शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो गुड़ का यूज़ कीजिएगा। तो ये हो चुका है हमारा काढ़ा बन के रेडी। अब यहाँ पे जो है गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए और इसको आपको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, बिल्कुल गर्म भी नहीं पीना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं पीना है, आपको हल्का गुनगुना पीना है, इसे बहुत ही अच्छा होगा। हफ्ते में रोज़ इसे नहीं पीना है, सिर्फ 2 से 3 दिन आप पी सकते हैं, सुबह या फिर शाम को सोते टाइम, और हल्का गुनगुना पियेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।